नमस्कार एंड वेलकम टू सफलता क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के एक और नए शो में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में। दोस्तों बिहार पुलिस का आपका एग्जाम साथ ही साथ दोस्तों शेड्यूल्ड है, तो इस बिहार पुलिसमैन की दोस्तों आखिरकार तैयारी में जो आपके बिहार जीके के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर बात करें दोस्तों तो बिहार से संबंधित आपकी कई सारी न्यूज थी। जैसे अगर सिंपली से अगर बात करूं दोस्तों अवार्ड के बारे में, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर में कि आखिरकार बिहार को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आपके इस अवार्ड का नाम था नेशनल डिजिटल अवार्ड। नेशनल डिजिटल अवार्ड जो है दोस्तों यहाँ पे इनोवेशन के क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपकी नई तकनीक को खोजने के क्षेत्र में बिहार सरकार को दिया गया था। अब प्रश्न आपसे दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो आपका नेशनल डिजिटल अवार्ड है ये किस लिए दिया गया, राइट? तो यहाँ पे ये जो अवार्ड था यानी कि नेशनल डिजिटल अवार्ड था दोस्तों, ये बिहार सरकार को गरुड़ ऐप को बनाने के लिए दिया गया। मैं फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, गरुड़ ऐप को यहाँ पे बनाने के लिए बिहार सरकार को यह अवार्ड दिया गया था। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे इस गरुड़ ऐप के बारे में, तो आखिरकार दोस्तों इस गरुड़ ऐप के बारे में क्या खास ऐसी बात थी कि इसको यहाँ पे इनोवेशन का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों इसके अंतर्गत यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा ये जो एप्लीकेशन थी, इससे जितने भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स का हिंदी मतलब होता है प्रवासी मजदूर, जितने भी आपके दोस्तों प्रवासी मजदूर थे उनको जोड़ने के लिए एक साथ, साथ ही साथ उनको हर एक तरह की सहायता पहुंचाना, चाहे वो भोजन की सहायता हो, चाहे वो रुकने की सहायता हो, या फिर इसके अलावा चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सहायता हो, तो इन सारी दोस्तों मदद के लिए यहाँ पे इस गरुड़ ऐप को बनाया गया। तो इसी इनोवेशन के लिए कि आपने इतने हजार करोड़ लोगों को तुरंत इतनी जल्दी इनोवेटिव तरीके से गरुड़ ऐप के माध्यम से जोड़ा था, इसीलिए यहाँ पे आपका बिहार सरकार को दिया गया था इनोवेशन का ऐप अवार्ड, आपका ग्लोबल नेशनल डिजिटल अवार्ड के अंतर्गत। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा और भी कई सारी आपकी योजनाएं आपकी जारी की गई थी, लेकिन अब समय है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले बिहार की जीके के बारे में जानकारी हासिल करना। तो आखिरकार दोस्तों कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं आपकी जो बिहार में सबसे पहली बार हुई, फर्स्ट इन बिहार हुई है, आइए जानते हैं। अगर वर्तमान समय की दोस्तों बात करें तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए आपसे पहले चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे कृष्ण सिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों, कृष्ण सिंह। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो बिहार जो है आपका ये अवध प्रांत से भी थोड़ा बड़ा होता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे इसको। तो यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अब यह भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन काल के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे यहाँ पे आपके जेम्स। कौन थे दोस्तों यहाँ पे आपके जेम्स, जो है आपके ब्रिटिश बिहार के पहले गवर्नर थे। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पहले भारतीय गवर्नर कौन होंगे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगे जयराम दास। तो जयराम दास जो है आपके दोस्तों ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके पहले गवर्नर। अब इसको याद कैसे रखना है, कृष्ण राम, कैसे दोस्तों याद रखना है, कृष्ण और राम। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए तो कृष्ण जी जो है आपके ये पहले सीएम थे, और राम से हो जाएगा जयराम दास दोस्तों, ये आपके पहले गवर्नर हो जाएंगे। तो जब भी अगर आपको याद करना हो कि पहले गवर्नर और यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो केवल भगवान का नाम ले लो, कृष्ण राम, ना केवल भगवान याद हो जाएंगे बल्कि आंसर भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों कई सारी ऐसी मूवीज हैं जो पहली बार आपकी बिहार में बनी। भाई बिहार को यहाँ पे हम लोग आपका भोजपुरी मूवीज के लिए जानते हैं, कैसन वा होइला वा, है ना दोस्तों। तो ये जो आपकी मगधी मूवीज हैं, ये जो आपकी भोजपुरी मूवीज हैं, इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न आते हैं आपसे कि आखिरकार कौन सी ऐसी पहली मूवी है आपकी मगधी में। मगधी का मतलब होता है दोस्तों ऐसी भाषा जो अवध और बिहार के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। तो प्रश्न आपसे दोस्तों ये पूछा जाता है कि यहाँ पर पहली जो आपकी दोस्तों मगधी फिल्म थी उसका नाम क्या था, तो भैया नाम था। क्या था दोस्तों, भैया नाम था आपके पहली मगधी फिल्म का। और दोस्तों अगर बात करें मैथिली, मैथिली जो है आपकी दोस्तों ये अधिकतर आप जब जितने पूर्वांचल दिशा में जाओगे वहां पे मैथिली भाषा को बोला जाता है। और इसमें दोस्तों आपका कन्यादान मूवी थी, कौन सी मूवी थी दोस्तों, कन्यादान मूवी थी। और अगर बात करें सबसे फेमस सुपरस्टार, चाहे वो निरहुआ हो या हो रवि किशन, तो दोस्तों इनके लिए यहाँ पे जो आपकी पहली भोजपुरी मूवी जिनके द्वारा आज इनका नाम जाना जाता है, ये जो दोस्तों पहली आपकी भोजपुरी मूवी थी इसका नाम था गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ा देवो। तो दोस्तों गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ा देवो, ये आपकी पहली भोजपुरी टॉकी मूवी थी जिसे बिहार में रिलीज किया गया था। तो अब इसको कैसे याद किया जाए, दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, भैया ने कन्यादान दिया माँ को,
भैया ने कन्यादान दिया माँ को, ये आपको पहली तीन मूवी मिल जाएगी अलग अलग भाषाओं में। पहली मूवी हो जाएगी आपकी भैया मगधी में, दूसरी हो जाएगी कन्यादान आपकी मैथिली में, और अगर बात करें दोस्तों तो गंगा मैया तोहे प्यारी, ये दोस्तों आपकी पहली भोजपुरी मूवी हो जाएगी बिहार में। और अगर आपको भगवान का नाम याद आए यानी कि कृष्ण राम याद आए, तो पहले यहाँ पे आपके दोस्तों चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो गवर्नर का पद है वो भी आपको यहाँ पे अपने आप याद आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब समय यहाँ पे आपके लिए वो पहले चीफ जस्टिस के बारे में जानने के लिए। अगर वर्तमान समय की बात करें दोस्तों तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनका नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। अब आपसे ये पूछा गया है कि पटना की जो हाई कोर्ट है वहां के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो दोस्तों चूंकि अंग्रेजों के जमाने का है तो याद रखिएगा कि अंग्रेज ही होंगे। तो जैसे वहां पे दोस्तों आपके लिए जेम्स कौन थे, पहले गवर्नर थे, इसी तरह दोस्तों यहां पे आपके लिए एडवर्ड कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे आपके लिए एडवर्ड हो जाएंगे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो एडवर्ड मेनार्ड देश चैम चैमिया। तो दोस्तों इनका पूरा नाम फिर से दोहराता हूं, एडवर्ड मेनार्ड देश चैम्स चैमियर। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके पहले चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी आपके पटना हाई कोर्ट की, तो उनका नाम हो जाएगा रेखा। तो दोस्तों एडवर्ड और रेखा एक साथ रहते थे आपके कहां पर, न्यायालय में। तो दोस्तों अगर बात करें तो पहले चीफ जस्टिस हो जाएंगे एडवर्ड, वही पहली महिला चीफ जस्टिस हो जाएंगी आपकी रेखा दोषित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन अगर पूछ लिया जाए पुरुषों में पहले चीफ जस्टिस कौन थे दोस्तों, तो यहां पे हो जाएंगे आपके लक्ष्मीकांत। कौन हो जाएंगे दोस्तों, लक्ष्मीकांत। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों कि लक्ष्मीकांत की मूवी में दो एक्टर्स थे, एक थे एडवर्ड और दूसरी थी रेखा। तो यहां पे आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के। अब याद रखिए लक्ष्मीकांत की मूवी है तो पहले पुरुष भारतीय हो गए लक्ष्मीकांत, एक्ट्रेस है यहाँ पे आपकी रेखा, तो पहली महिला चीफ जस्टिस हो गई आपकी रेखा दोषित। और अगर बात की जाए दोस्तों पहले चीफ जस्टिस के बारे में तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके एडवर्ड मेनार्ड देश चैम चैमियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर आपकी पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो कि ना केवल पटना में बल्कि इसकी दोस्तों रांची में भी एक ब्रांच है, तो इन दोनों ब्रांचों में पहली बार कौन एक लेडी जज के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहां पे इनका नाम हो जाएगा इंदु प्रभा। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपके लिए, इंदु प्रभा। तो केवल आपको यहां पे पहले तो एक मूवी का नाम याद रखना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मूवी है, एक्टर है यहां पे आपके जेम्स एडवर्ड और आपकी एक्ट्रेस हो जाएंगी रेखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जरा जानते हैं यहां पे उस पहली वुमेन महिला की जो बिहार से थी और उनको नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों दिल्ली में स्थित है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि उस पहली बिहार की महिला का नाम बताएं जो कि एज अ जज वहां पे आपकी अपॉइंट हुई थी। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए नाम हो जाएगा ज्ञान सुधा। भाई इतनी ज्यादा ज्ञान हो गया कि उन्हें यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। तो ज्ञान सुधा मिश्रा जो है आपकी दोस्तों ये पहली वुमेन जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे बिहार में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां पे खोला गया है, तो इसको दोस्तों पहले तो राजेंद्र नगर के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका दोस्तों वर्तमान समय में मोइन उल हक स्टेडियम नाम है, जो कि बिहार का पहला दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में, तो यहां पे दोस्तों जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके साल 1937 में, जहां की पहली बार कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा था। और अगर इसमें बात करें दोस्तों तो यहां पर आपके जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी यानी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी भी पीछे नहीं थी दोस्तों, वो दूसरे स्थान पे आई थी। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से यहां पर मोहम्मद यूनुस के दो प्रयासों से दोस्तों बिहार में सबसे पहली आपकी यहां पर सरकार बनाई गई। तो सरकार ने क्रिकेट खेला, यूनुस ने मोइन को हरा दिया, तो पहली डेमोक्रेटिक किसने बनाई थी आपकी पार्टी, तो मोहम्मद यूनिस ने। और पहला इंटरनेशनल क्रिकेट आपका किस नाम से जाना जाता है, तो मोइन उल हक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे वाल्मीकि जी वन में विचरण करते थे, तो दोस्तों मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका वाल्मीकि है ये एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि आपका बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें तो इसके किनारे की नदी हो जाएगी आपकी गंडक रिवर। वहीं अगर दोस्तों बात करें भारत की नहीं बल्कि बिहार की पहली आईटीबीपी ऑफिसर दोस्तों इनका नाम हो जाएगा प्रकृति। तो दोस्तों प्रकृति ने किया कमाल बिहार में आईटीबीपी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे बिहार की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी,
तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा राबड़ी देवी जी। जी हाँ, जब लालू प्रसाद यादव को जो है दोस्तों घोटाले में जेल जाना पड़ा था, चारा घोटाला कहते हैं उसको, तो इस चारे घोटाले में जाने के कारण यहाँ पे उनको जो है सजा हो गई थी, और सजा के कारण यहाँ पे फिर उन्होंने अपनी पत्नी यानी राबड़ी देवी को आपका पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया था। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके बिहार में आपकी पहली जो आपकी पायलट बनी है वो कौन सी है जो बिहार से संबंधित है, तो दोस्तों इनका नाम हो जाएगा भावना कांत। और भावना कांत के नाम पे दोस्तों यहाँ पे एक रिकॉर्ड और है, ये पहली ऐसी फाइटर महिला बनी है दोस्तों जिन्होंने आपके भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का इनको अवसर प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे दो और महिलाएं भी थीं जिनको एक साथ रिक्रूट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के आपके फाइटर पायलट के रूप में। एक का नाम है दोस्तों अवनी चतुर्वेदी, ये सतना के मध्य प्रदेश से स्थित है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो मोहना सिंह, मोहना सिंह जो है दोस्तों यहाँ पे आपकी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से संबंधित है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें भारत की पहली आईपीएस महिला जिसके बारे में आज हमने करंट में जाना भी था, जिनको अभी हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर दिया गया, तो उनका नाम था किरण बेदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे पहली मुस्लिम लेडी आईपीएस ऑफिसर कौन थी बिहार से, तो दोस्तों उनका नाम हो जाएगा गुंचा सनोवर। तो दोस्तों गुंचा सनोवर यहाँ पे आपकी पहली मुस्लिम लेडी आईपीएस ऑफिसर के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें स्पीकर के नाम पे, तो यहाँ पे अगर बात करें पार्लियामेंट में स्पीकर, तो उनका नाम हो जाएगा ओम बिरला। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार की जो आपकी विधानसभा है यहाँ पे पहली स्पीकर कौन थी दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर होगा बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। तो दोस्तों उनको वीपी वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपकी पहली स्पीकर थी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की। और वहीं अगर दोस्तों बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, तो एक यूनिवर्सिटी तो आपने ये सुनी है यानी नालंदा, दूसरी जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में जानते हैं, वहीं जो नालंदा यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी दोस्तों आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सबसे महान और पुरानी यूनिवर्सिटी में इनका नाम शुमार किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बिहार से संबंधित है। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो पहली यूनिवर्सिटी बिहार की कौन सी थी दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे पहले बिहार में प्रवेश किसने किया था, तो अंग्रेज नहीं थे दोस्तों, वो थे सबसे पहले पुर्तगाली, क्योंकि ये अंग्रेजों से भी पहले आ चुके थे। और सबसे पहले आने पे दोस्तों जो पुर्तगाली आए थे उनका नाम था वास्को डिगामा। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पूरे विश्व में ऐसी कौन सी जगह थी जो सबसे पहले रिपब्लिक बनी थी, मतलब जनता के द्वारा चलाई जाती थी, जनता के द्वारा उसके नेता चुने जाते थे, तो दोस्तों वो भी हमारे प्यारे भारत के बिहार में थी, और उसका नाम था वैशाली। तो दोस्तों वैशाली पहला रिपब्लिक था आपका पूरे विश्व में। तो देखिए दोस्तों ये थे सारे के सारे आपके सबसे सर्वप्रथम चीजें जो कि बिहार में हुई थी। अब आगे दोस्तों यहां पे आपके लिए कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, उन एमसीक्यूज को यहाँ पे दोस्तों आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे आखिरकार यहाँ पे आपको बिहार के जो आपके जो जीके के सवाल है वो किस प्रकार से आपके यहाँ पे लॉजिकली पूछे जाते हैं, कैसे उनको आपको सॉल्व करना है। तो इन्हीं प्रश्नों को लेके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो सबसे पहला अगर आप सवाल देखेंगे तो ये है आपका गिरोह से संबंधित प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, कि बिहार में आपका यहाँ पे माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन दोस्तों शुरू किया गया, ये प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर होगा, या फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ऑपरेशन जॉन होगा, या होगा ऑपरेशन जैगुआर, या होगा ऑपरेशन कोबरा। तो जरा मेरे प्यारे मित्रों फटाफट पहले तो आप यहाँ पे जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि यहाँ पे माफिया ग्रो, जैसे अभी आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है माफिया को मारने के लिए, इसी तरीके से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे बिहार में जब माफिया को मारना था दोस्तों वहां पे कौन सा आपका ऑपरेशन चलाया गया था, ब्लैक पैंथर, जॉन, जैगुआर, या फिर होगा कोबरा। तो जरा फटाफट बताइए दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही माना जाएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑपरेशन कोबरा दोस्तों ये चलाया गया था आपका बिहार सरकार के द्वारा। और इसी के अंतर्गत अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा कुल 1 लाख दोस्तों महिलाओं को यहाँ पे वैक्सीनेशन देने की बात कही गई है, तो 1 लाख महिलाओं को दोस्तों आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात भी आपकी बिहार सरकार के द्वारा कही गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन आपसे पूछा गया है ऑपरेशन उजाला दोस्तों, ये किस जिले में आपका शुरू किया गया था। और वहीं अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे अभी हाल की न्यूज के बारे में,
तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में आपके बिहार के चीफ मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। तो दोस्तों जो आपके यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि आपके चीफ सेक्रेटरी हैं दोस्तों, अब उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे अरुण कुमार सिंह को एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार नियुक्त किया गया है आपके बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न के बारे में, तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर ऑपरेशन उजाला जो है आपका, ये बिहार के किस जिले में शुरू किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या हो दरभंगा। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे आपके लिए राइट माना जाएगा। तो अगर दोस्तों यहां पे हम लोग बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब होगा दोस्तों आपके लिए मुजफ्फरपुर जिले में आपका ऑपरेशन उजाला को शुरू किया गया था। और वहीं दोस्तों जो आपका ऑपरेशन कोबरा था वो यहां पे माफिया ग्रोह यानी कि जो आपके गैंग होते हैं उनको समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो यह है धन्वंतरी ऑपरेशन। सवाल आपसे दोस्तों ये पूछा गया है कि धन्वंतरी को वैसे तो हम लोग दोस्तों जानते हैं आपका इलाज करने के लिए, वो एक आपके प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे ऑपरेशन धन्वंतरी आखिरकार बिहार में क्यों शुरू किया गया। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। ये आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समाज के लिए सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता करता है। मतलब क्या हुआ कि ये बिहार जो है आपका बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि यहाँ पे आपको पता होगा कि बाजार में कई लोग क्या करते हैं, चूने को ही यहाँ पे आपका डिस्प्रिंग के नाम से बेच देते हैं। तो यहाँ पे अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए दोस्तों बाजार में शुरू किया गया ऑपरेशन धन्वंतरी, या फिर इसके अलावा चारा घोटाला। लालू प्रसाद यादव इसी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये जो चारा घोटाला में जो शामिल लोगों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया, जरा फटाफट दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धन्वंतरी किससे संबंधित थे और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों, ऑपरेशन का यहाँ पे नाम है ऑपरेशन जलकारो। तो ये जो दोस्तों आपका ऑपरेशन जलकारो है, इसके माध्यम से बिहार में जितने भी तालाब हैं, जितनी भी तलैया हैं, जितने भी आपके पोखर हैं, इन सब को दोस्तों यहाँ पे आप टैगिंग करने के लिए, जैसे अगर बात की जाए तो आपको कहीं जाना होता है तो आप जीपीएस में उसका नाम डाल देते हो और एग्जैक्ट वहीं पे पहुंच जाते हो। तो ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपने उस जगह की जियो टैगिंग करके रखी है, आपने उस जगह को जीपीएस में मार्क करके रखा हुआ है, इसीलिए आपको वहां का रास्ता आसानी से मिल जाता है। तो सवाल आपके लिए है दोस्तों कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जियो टैगिंग की जो योजना है जिसके माध्यम से आपके बिहार की जो वाटर बॉडीज हैं उनको पहचाना जा सके, तो ये योजना आपकी दोस्तों आपकी शुरू की गई है जलकारो मिशन के माध्यम से। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में जो कि आपका प्रश्न था, तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों अगर बात की जाए आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों धन्वंतरी जो है एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अब मुझे बताइए चिकित्सक जो होगा वो आपका दो चीजों से संबंधित होगा, या तो वहां कोई नया अस्पताल बन रहा होगा या यहां पे नकली दवाओं की आपकी जांच हो रही होगी। तो अगर दोस्तों यहां पे हम लोग बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो एक ही दोस्तों यहां पे आपका राइट ऑप्शन बनता, कौन सा आखिरकार, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना लॉजिकल होता है किसी भी स्टेट के एग्जाम को भी निकालना, अगर आपको यहां पे थोड़ी बहुत जानकारी हो किसी एक चीज की उसके आधार पे भी सवाल करना पॉसिबल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए पहले आया था आपका ऑपरेशन आपका कोबरा, अब आया है यहाँ पे आपके लिए ऑपरेशन आपका ब्लैक पैंथर। तो प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया है कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक पैंथर है ये किस जिले से शुरू हुआ। तो अच्छा एक चीज और याद दोस्तों रखिएगा कि यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए या तो आप उनकी पीडीएफ को अपने पास संभाल के रख लेना, या फिर इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जाए उनको साथ ही साथ में नोट भी करते चलना। सवाल आपके लिए है दोस्तों कि यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू हुआ था बिहार में अपराध को खत्म करने के लिए। चार ऑप्शंस में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सिवान होगा, सारण होगा, चंपारण होगा या फिर होगा वैशाली। चंपारण तो वैसे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर दोस्तों एक जानवर होता है जो कि आपका वल्नरेबल आपके स्टेटस में आता है, तो उसी के नाम पे रखा गया है ऑपरेशन का नाम। और आपसे ये पूछा गया है कि बिहार में अपराध कब खत्म करने के लिए ऑपरेशन आपका किस जिले में शुरू किया गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको उत्सुकता होगी यहाँ पे आंसर जानने की। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण में दोस्तों यहाँ पे आपका सबसे पहले बिहार का ऑपरेशन ब्लैक पैंथर शुरू हुआ और इसके माध्यम से कुख्यात अपराधियों को यहाँ पे एनकाउंटर करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ऑपरेशन चाणक्य से संबंधित। चाणक्य दोस्तों बुद्धिमता के लिए जाने जाते थे,
मतलब हर चीज को यहाँ पे केवल अपनी बुद्धि के द्वारा वो उसे सॉल्व कर लिया करते थे, तो उन्हीं के नाम पे ये ऑपरेशन रखा गया। अच्छा एक चीज और देखिएगा, बिहार के यहाँ पे दोस्तों जीके की खासियत ये है कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नाम की चीजें और स्कीमें वहां पे आपकी शुरू की जाती हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे आपके जो वर्तमान समय के बिहार के गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। और वही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन चाणक्य के बारे में कि आखिरकार ये चाणक्य ऑपरेशन आपका क्यों शुरू किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या दिमाग लगाकर के शांतिपूर्ण मतदान कराया जाए विधानसभा में, या फिर जो दैनिक आपकी वस्तुएं होती हैं दोस्तों उनमें मिलावट को खत्म करने के लिए आपकी टेक्निक लगाई जाए, या फिर इसके अलावा जो चारा घोटाला हुआ था जिसमें किसी के हाथ रंगे होंगे उनको पकड़ने के लिए दोस्तों ये आपका ऑपरेशन चाणक्य शुरू हुआ। तो दोस्तों आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा दोस्तों दिमाग लगा करके जो मिलावट की जाती है दोस्तों उसको रोकने के लिए यहां पे बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन चाणक्य को शुरू किया गया था। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो इसी मिलावट से संबंधित दोस्तों एक राज्य और है, मिलावट से संबंधित नहीं है बल्कि मिलावट के लिए आपका आजीवन कारावास देने के लिए वो राज्य बन गया है आपका मध्य प्रदेश, जिसने यहाँ पे आजीवन कारावास की दोस्तों प्रक्रिया को शुरू कर दिया है अगर कोई भी व्यक्ति खाने में किसी भी प्रकार की मिलावट करता है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि अब मध्य प्रदेश में आपको सबसे शुद्ध खाना मिलने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ऑपरेशन टास्क फोर्स से संबंधित, सवाल क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ऑपरेशन टास्क फोर्स को आखिरकार क्यों गठित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों ऑप्शंस की तो टास्क फोर्स को अधिकतर आपका यहाँ पे अपराध को खत्म करने के लिए किया जाता है, तो या तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए अपराध होगा या ड्रग्स होगा, इन्हीं दोनों में से तो हो सकता है। चार ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन दोस्तों आर्थिक विषमता को खत्म करना, मतलब जो अमीरी और गरीबी है दोस्तों उसको खत्म करना। दूसरा ऑप्शन यहां पे आपके लिए हो जाएगा ड्रग्स का अंत करना, मतलब जो ड्रग्स का यूज होता है दोस्तों उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देना। तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों यहां पे आपके लिए अपराधियों का अंत करना। और चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों नक्सली गतिविधि। नक्सली गतिविधि की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य दोस्तों आज सबसे ज्यादा तबाह हो चुके हैं इस नक्सलवाद में, तो या तो इसको समाप्त करने के लिए। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेशन टास्क फोर्स दोस्तों ये आपका यहाँ पे नक्सली गतिविधि को आपका समाप्त करने के लिए आपका शुरू किया गया था। इसको दोस्तों हम लोग माओवाद, मार्क्सिस्टवाद भी के नाम से भी जानते। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला सवाल आपके लिए भागलपुर से जुड़ा हुआ है। भागलपुर दोस्तों अगर बात की जाए तो ब्योमकेश बख्शी जो जासूस थे ना वो भी भागलपुर के ही थे, यानी बिहार के ही थे दोस्तों। और प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि यहाँ पे बिहार में एक सांप्रदायिक संघर्ष यानी कि आपके दंगे हुए थे, और ये आपका वर्ष था 1989 का, अक्टूबर का समय था। तो दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया है कि 1989 के अक्टूबर के समय में यहाँ पे जो भागलपुर के सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था दोस्तों इसके जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, एनएन सिंह, भगवती प्रसाद झा या फिर बीएन अग्रवाल। तो दोस्तों साल 1989 यानी कि इस समय दोस्तों अगर बात की जाए तो यहां पे आपकी जो पार्टियां थी वो लगातार एक एक साल के लिए आ रही थी, और प्रश्न आपका उसी वर्ष से पूछा गया है भागलपुर से जुड़ा हुआ कि वहां के जो सांप्रदायिक आपके दंगे थे उसकी जांच के लिए किसकी यहां पे कमेटी बैठाई गई थी। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कि साल 1989 में आपके जस्टिस एनएन सिंह की अध्यक्षता में आपकी जो कमेटी बैठाई गई थी वो भागलपुर दंगों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पे आपके लिए जहानाबाद, दोस्तों यहां पे डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार का जहानाबाद, उसमें दोस्तों आपका जेल में नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों ये जो नरसंहार हुआ था आपका ये पूछा गया ये किस वर्ष से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों तो बिहार का जो आपका इतिहास है ये अधिकतर नरसंहार या फिर लोगों को बिना वजह के मौत के घाट उतारने से ही संबंधित है। तो अगर दोस्तों यहां पे हम लोग बात करें आपसे ऑप्शंस के बारे में तो आपके सामने तीन वर्ष है दोस्तों, 2003, 2004 या 2005। तो अगर दोस्तों यहां पे हम लोग बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो सही जवाब होगा दोस्तों यहां पे आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 नवंबर साल 2005 को दोस्तों रात में करीब 9 बजे थे, तो उस समय दोस्तों जो वहां के नक्सलीवाद थे, जो नक्सलवाद जो थे वो अपने लीडर के साथ आते हैं, और जहानाबाद के यहाँ पे जेल में जितने भी दोस्तों कैदी होते हैं उनको बम और गोली से दोस्तों हमेशा के लिए मार देते हैं। तो दोस्तों ये था आपका नरसंहार जहानाबाद का, जिसे साल 2005 आपके 5 में अंजाम दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, तो आपसे सवाल पूछा गया है कि यहां पर बिहार का कौन सा संगठन है जो वामपंथी है, इसको दोस्तों इंग्लिश में हम लोग कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि यहां पे बिहार का कौन सा कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। चार ऑप्शंस में अगर बात करें दोस्तों तो रणवीर सेना बात करें तो ये आपकी राजस्थान से है, सनलाइट सेना,
मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट क्लब या फिर लाल सेना। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे रणवीर सेना भी क्या हो सकता है राइट आंसर, तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट क्लब। ये आपका दोस्तों बिहार से संबंधित है और ये अपने आप को कम्युनिस्ट मानता है, मतलब ये इस चीज में बिलीव करता है कि यहाँ पे मजदूर के हाथ में ताकत है ना कि सरकार के हाथ में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बिहार के जमींदारों से संबंधित है। वहां के जमींदार दोस्तों टैक्स लेने के लिए अपनी खुद की एक आर्मी बना के रखते थे, प्राइवेट आर्मी, जैसे बॉडीगार्ड होते ना ऐसी उनकी अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेना बना रखी थी, कुंवर सेना, ब्रह्म ऋषि सेना या फिर रणवीर सेना। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो ये चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सही माने जाएंगे, मतलब रणवीर सेना, ब्रह्म ऋषि सेना या फिर कुंवर सेना। दोस्तों ये तीनों की तीनों यहाँ पे जमींदारों के द्वारा एक गैंग, एक आर्मी के रूप में आपकी तैयार रखी जाती थी, ताकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आपका टैक्स नहीं चुकाएगा तब उस सेना को यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। और वहीं अगर बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अतिवाद से संबंधित प्रश्न। अतिवाद का मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे नियम कानून ना माने जाएं बल्कि खुद अपने प्राइवेट और पर्सनल नियम चलाए जाएं। तो दोस्तों आपका बिहार का वो कौन सा जिला है जो कि अतिवाद का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों वो वही जिला होगा जहां पे सबसे ज्यादा आपका कम्युनिस्टवाद होगा, मायोवाद होगा। तो चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, सीतामढ़ी और समस्तीपुर, जहानाबाद और भोजपुर, पूर्णिया और कटिहार या फिर मधुबनी और सुपौल। तो दोस्तों जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही माना जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें आपसे यहाँ पे राइट ऑप्शन की कि आखिरकार बिहार का कौन सा जिला दोस्तों अतिवाद का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो आपके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहानाबाद और भोजपुर को दोस्तों यहाँ पे आपका चरमपंथी हिस्सा का मुख्य केंद्र माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे अगला सवाल है आपके लिए कि बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के लिए पीछे कौन सा मुख्य कारण माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के लिए कौन सा आखिरकार मुख्य कारण होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, नौकरशाही में असमानता, सामंती प्रभुत्व, भूमिहीन लोगों की अधिकता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों खुद सोचिए कि अगर चरमपंथी है तो वो सरकार के खिलाफ जाएगा, बात को समझिएगा, चरमपंथी है तो आपका यहाँ पे सरकार के खिलाफ जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो जो जमींदार है उनके खिलाफ भी जाएगा और भूमिहीन की सहायता भी करेगा। तो दोस्तों जो बढ़ती चरमपंथी गतिविधियां थी वो आपके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा धर्म है जो आपका बिहार में है? जरा जल्दी से बताइएगा दोस्तों ऐसा कौन सा धर्म है जो सबसे कम पढ़ा है, सबसे कम साक्षर है और साथ ही साथ दोस्तों बिहार में वो एक धार्मिक विशेष समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय है दोस्तों यहाँ पे सबसे कम आपके साक्षरता मुसलमान पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें पूरे भारत में यहाँ पे जो जैन समुदाय है दोस्तों वो आपका शिक्षा के स्तर में सबसे कम जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के आपके बिहार जीके के एमसीक्यूज। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे, साथ ही साथ मुझे ये भी सुझाव दीजिएगा कि आखिरकार बिहार के बारे में आपको और कौन कौन सी जानकारी चाहिए। अगर इससे पहले अगर आपको जानना हो दोस्तों कुछ और यहाँ पे बिहार के बारे में, तो इससे पहले भी आपका बिहार जीके का वीडियो आपके सफलता क्लासेस के द्वारा जारी किया गया है, उसको देखना मत भूलिएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे अलविदा लेने का है समय। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।